देवघर विधानसभा प्रत्याशी सुरेश पासवान ने विकास को अपना मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने बताते हुए कहा कि रघुवर की सरकार झूठी सरकार है, वो सिर्फ वादे करना जानती है, वादे करती है। इन्होंने बिजली पानी को लेकर भी वादा किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 0-0। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। आईएनएन के लिए संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। जो मुझे टिकट मिला, मैं महागठबंधन दल के सभी नेता को मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि बाबा नगरी में सबसे पहले बाबा भोले का आशीर्वाद मिला और महागठबंधन का आशीर्वाद मिला जी। और तमाम देवघरवासी जनता का आशीर्वाद मिला, जिसके चलते मुझे टिकट मिला। और 25 तारीख को नॉमिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, सारे साथी के साथ, तमाम जनता के साथ हम लोग जो है नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अभी मुद्दा हम लोगों का जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 79 जलाशय योजना में पानी खड़ा है जी। आनंद फानन में डैम बना गया, लेकिन पानी जाने में अभी समय लगेगा। हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो 79 जलाशय योजना का पानी देवघरवासी को मिले, किसान को मिले, वहां का गरीब किसान को मिले, हम लोग चाहेंगे। मुद्दा हम लोगों का बिजली, पानी, रोड, जितना है जो जरूरी चीज है जी। आप जानते हैं कि लोगों को क्या चीज का जरूरी है जी। यह सरकार जो है, पहले रघुवर सरकार बोले थे कि बिजली हम 24 घंटा जो है देने का काम करेंगे, यदि 24 घंटा बिजली नहीं देंगे तो चुनाव में जो है जनता उसका जवाब देगी, हम वोट नहीं लेंगे, ऐसा बोले थे। आप देख रहे हैं कि आप हमारे पत्रकार बंधु भी आए, हमको बिजली के लिए घंटा इंतजार करना पड़ा जी। जी बिल्कुल, बैठे रहे, अभी जनरेटर जो है स्टार्ट करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह सरकार